देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट कमांड में जाना है। यूनिट कमांड लगाई, यूनिट के अंदर आपको लिमिट सेट करनी पड़ेगी। यूएन यूनिट मैंने रखी इंजीनियरिंग, यहां पर मेरे एमएम चलता तो मैं यहां पे इंचेज कर सकता हूँ, फीट भी ले सकता हूँ, इंच करता हूँ, ओके कर जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल स्क्रीन के लिए। अब आपको क्या करना है, अब मेरे को इसके अंदर इमेज को इंसर्ट करना है। कमांड लगूंगा आई एम एंटर, आई एम एंटर करा, इसके ऊपर आपको यहां पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके अटैच इमेज, अटैच इमेज में जाओगे जहां पर आपकी फोटो है, मतलब जहां पर आपने जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उसकी फोटो, उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास इधर चलता हूँ, इसके डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप डाटा में मिल जाएगी अगर होगी तो। ये वाली फाइल इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करके ओके करा। अब ये पूछता है स्पेसिफाई इंसर्ट पॉइंट, अगर आप डिफॉल्टली इसमें एंटर कर देते हो और स्केल फैक्टर डिफॉल्ट 1 ही रखता हूँ, इमेज आ गई हमारी है ना, अब आपको दिख नहीं रही कभी तो जेड एंटर ई एंटर, जेड एंटर ई एंटर, जूम एक्सटेंड के लिए। अब इस इमेज को हम कितना माने, जैसे ये मैं डेप्थ मानता हूँ 12 इंच मान सकता हूँ, 15 इंच भी मान ही सकता हूँ, कितना हो तो आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज है ना कि हमें पास सिर्फ मेजरमेंट है ना, तो मेरे को इसकी हाइट पता है ना विड्थ पता है। अगर मैं ऐसे मानू तो 18 इंच मान सकता हूँ, और ऐसे मानो तो 12 इंच मान सकता हूँ, क्योंकि ऐसे दिख रहा 18 और 12। तो आपको कमांड लगानी है COL कलर, कलर वाली कमांड लगाएंगे, यहाँ से आपको कलर ले लो, कोई भी कलर लेके लाइन स्प्लिट करनी है, लाइन खींचनी है बस, कुछ नहीं करना। यहाँ पर लाइन खींचोगे, यहाँ से भी ले लो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ से लाइन ली यहाँ तक, ये इन्हें स्केल करने के लिए लाइन खींची है। अब कमांड लगानी है आपको ST, ST कमांड लगाई, ST कमांड लगा करके आपको इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट लेके R एंटर कर दोगे, R एंटर में फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा ये वाला। अब मैं इसमें जो अमाउंट दूंगा ना वो मैं दे दूंगा 18 इंच, मतलब 18 इंच, ये आपकी इमेज स्केल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको ये अमाउंट, ये एक मेजर मिल गया ना, तो बाकी हम सब निकाल ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पर DLI कमांड लगाता हूँ, समथिंग 2.25 इंच का है तो 2 इंच ही मानते, हाइट हम ज्यादा नहीं मानते है ना, और ऐसे इसकी डेप्थ कितनी दे रखी है इसने, सॉरी DAL कमांड लगानी पड़ेगी, DLI से सही था, DL से लगाएंगे ना, डिम लाइनर, इसने 9 इंच ही बताया, ज्यादा करा नहीं है। ये ले गए जो 2.5 इंच का हाइट दे रखी है, तो 9 ऐसे कर देते हैं, 18 ऐसे कर देते हैं, यही करते हो क्या करें। तो आपको एक रेक्टेंगल ले लो, शिफ्ट एट द रेट लगा दो, ऐसे कर देते 18 इंच कोमा 9 इंच एंटर, हो गया। अगर आप लग रहा है कि छोटा दिख रहा है तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर 9 लग रहा है कि कम है तो 9 से आप 12 कर दो, अब ठीक है 12 कर देते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस हम अपने खुद के हिसाब से भी लेते हैं। अब इसके बाद आपको ऑफसेट क्रिएट करना है, वो करना आपको 1 इंच का, मैं 1 इंच का ले रहा हूँ नॉर्मली है ना, ले लिया। अब मैं चलता हूँ, तो इसका तो मैंने 1 इंच का रखा, अब इसका जो ऑफसेट आप कर सकते करना चाहो तो आप वो कर देना 0.75, मतलब 1 इंच के अंदर, ठीक है। अब मैं चलता हूँ स्पेस टेस्ट व्यू, SW होता है साउथ एंड वेस्ट,
अब अगर आप सेट कमांड लगा देते हो एक बार पहले ही तो कर सकते हो। इसमें जो ये ऊपर वाला बॉक्स है इसका जो अमाउंट मैं देता हूँ हाइट हाइट अमाउंट वो मैं रखता हूँ 0.75 एंटर। ज्यादा हाइट देने से बेनिफिट है नहीं हमको। और इस वाले फाइल की जो मैं इस वाले एक्सक्लूड करता हूँ ई 3 इंच कर देता हूँ, 3 इंच ये रहेगा और 1.25 इंच ये रहेगा। इस वाले को अभी छोड़ देते हैं, बाद में इसमें एडिट कर लेंगे। अब हम इस वाले पार्ट के ऊपर काम करते हैं। इसको इस पर ऐड करो, यहाँ से ये सिलेक्ट साइकिलिंग ऑन है बंद कर दो, इसको कर दो ऑल्ट मतलब सॉरी आइसोलेट। आइसोलेट किया, प्लान में जाओगे हाइड भी तो कर सकते हो। हाइड भी कर सकते हो आइसोलेट भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है दोनों में से कोई यूज करो। बट हाइट में जो सेलेक्ट करोगे वो हाइट हमारा होगा और आइसोलेट में जो करेंगे वो रह जाएगा, है ना। दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है। अब ये अमाउंट हमारा 18 इंच है, ये 12 इंच है। मैं देखो मैं रेक्टेंगल भी क्रिएट कर सकता हूँ और पॉलीलाइन भी ले सकता हूँ। पीएल लाइन पॉलीलाइन एफ एट ऑन 18 इंच ऐसे लिया, हाइट ले लेता हूँ मैं 3 इंच। इधर भी ले लो आप, 3 लेते हो या 2.5 मतलब 2.5 इंच ले लो चाहो तो। इधर भी लाइन लिया 3 एंटर, 2.5 एंटर, इसको तो कर दो जे एंटर से ज्वाइन, ये तो ज्वाइन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन क्रिएट करनी है। इस वाले पार्ट में आपको कमांड लगाएंगे डिवाइड। डिवाइड का मेन पर्पज क्या होता है कुछ आइडिया? डिवाइड मतलब लाइन को काट देगी, मतलब काटेगी, काटेगी नहीं बांट देगी, मतलब बांटना। अलग हाँ कमांड लगाएंगे डीआईवी डिवाइड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स। मैं इसमें सेगमेंट दूंगा 24, 12 पार्ट है तो 24 करेंगे तो बनेगा। अब कमांड लगानी पड़ेगी पॉइंट की स्टाइल वाली, डीडीपी टाइप भी लगा सकता है ना, डीडीपी टाइप डिवाइडेशन पॉइंट टाइप बोलते हैं इसको। यहां से पॉइंट की स्टाइल्स ले लो, ये पॉइंट आ गए, पॉइंट आपको लग रहे बड़े दिख रहे तो आप आर ही लगाओ, रीजन इसको बोलते हैं रीजनरेटिंग मॉडल, गया। RECO कमांड कॉपी। यहां से मेरे को ज्यादा नहीं लेता, उनको भी 1 इंच नीचे ले लेता एक बार। एल एंटर, यहां से आपको क्रॉस चलना, देखो यहाँ पर पॉली लाइन भी ले सकते हो, मैंने लाइन ले ली है, वापस मैं इसको पॉली लाइन बनाऊंगा, इससे अच्छा आप पॉली लाइन ही ले लो पहले, क्योंकि वो बार बार आपको जरूरत नहीं पड़े ज्वाइन करने की, नहीं तो मैं आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइन ली मैंने ना इसकी। अब आपको पॉइंट में जाकर तो पॉइंट बंद कर देने हैं, ये वाली वही वाला लाइन डिलीट कर दे, ठीक है। अब मेरे को इस लाइन को अभी ज्वाइन करना पड़ेगा क्यों, अलग अलग है सब, जे एंटर से ज्वाइन करा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फिलेट एफ एंटर, आर एंटर रेडियस के लिए, रेडियस जो डालेंगे वो डाल देंगे हम, ज्यादा नहीं डालते अभी तो भी, 0.10 हाँ टेन चल। पॉइंट टेन यहां से ले लेते पॉली लाइन, ये हो गया आपका फिलेट 0.10 अमाउंट। अब इसको पूरे को आप कर दो जे एंटर से ज्वाइन, अब जे एंटर से ज्वाइन कर दो। अब करना ऑफसेट, ऑफसेट आप कर दो 0.25 का, ठीक है। टेस्ट व्यू
SW एंटर। अब इसमें डबल ऑप्शन दो, इसको सेलेक्ट करके EFT एंटर अमाउंट नीचे जाएगा, कौन इंच करूंगा मैं, समथिंग समथिंग 1.5 इंच, वो भी कर सकता हूं। तो मैं यहां से लेता हूं 1.5 करेंगे, कर देते हैं। पॉइंट सेवन फाइव करना पड़ेगा, 1.5 तो रेडी हो जाता है, इसको कर देंगे 0.25। ऑनियन ग्रू दिखाना मेरे को तो। SUB सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट एंटर हो गया, क्लियर। कमांड रोटेट 3D भी लगा सकता हूं मैं और 3DR भी लगा सकता हूं, सेलेक्ट एंटर एक्स एक्सिस और 90 डिग्री, ये 2D वाली लाइन सिर्फ स्प्लिट मतलब खड़ी हो गई है, हमें पूरे ऑब्जेक्ट को करना है। रोटेट 3D एक्स एक्सिस, पॉइंट यहाँ दे दोगे, एंगल दे दोगे 90 डिग्री, देन एंटर सेलेक्ट एम एंटर मूव। आपका ऑब्जेक्ट यहां पर लग जाए, ओके। अब मेरे को साइड वाले बनाने हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा आपका, तो वो भी बना देते हैं, प्लान में चलते हैं, VS2D कर देते हैं, इस वाले को डिलीट करें, छोटा नहीं कर देते ना। ये अमाउंट तो 3 इंच रहेगा, ये रहेगा 2.5, ये भी अमाउंट 3 इंच और 2.5, ज्वाइन एल एंटर, पी टाइप में जाते हैं और पॉइंट की स्टाइल यहां ले लेते पहले ही, DIV डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट 12 पार्ट, सेलेक्ट करा इसको, CO से कॉपी करा, नीचे ले लेता हूं मैं इसका अमाउंट 1 इंच, रीजन कमांड से पॉइंट छोटे कर दो, और यहां लेता हूं पॉली लाइन, पॉइंट को हटा सकते हैं अब आप, और डिलीट भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कौन सा क्या करना आपको। फिलेट आर एंटर 0.10, पॉलीलाइन ले लेंगे यहां से और सीधा इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जे एंटर से ज्वाइन ऑफसेट, वही आपको जितना करना है 0.25 का टेस व्यू SW सेट लगाया, सेलेक्ट करा इसको, EXT एक्सट्रूड 0.75, 0.25 सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना है आपको 3D वाले मॉडल को, 3DR भी लगा सकते हैं, 3D रोटेट, पहले इसको ऐसे कर दिया फिर आपको यहां से ऐसे कर दिया, सेलेक्ट एम एंटर, ये जो अमाउंट ज्यादा आ रहा है ना इसको आप प्रेस पुल करोगे, प्रेस पुल प्रेसफुल
अभी नहीं कर सकते, पहले आप इसको यूनियन करो एक बार, बट यूनियन करूंगा तो अभी वो माँ सही होगा नहीं, होगा पहले इसको करते हैं मिरर। एक बार जल्दी। UNI सेलेक्ट 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 एंटर। अब मैं इसको प्रेस पुल कर दूंगा, हो जाएगा। इन सबको ही करना है ना। हो गया, तो ये कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होगा। अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप डिजाइन वगैरह डाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। एक ऑब्जेक्ट जो 2D बना के लानी है, उसको स्वीप वगैरह करवाना है। ठीक है, क्लियर हुआ अंतर। इसके बाद आपको अब इसके बैक पैनल वाली जाली क्रिएट कर, कर दूँ कैसी आपको नहीं होगा। आपको एक रेक्टेंगल लेना है 18 बाई 18 का ले सकते हो, 18 24 का भी ले सकते हो, अगर ज्यादा हाइट चाहिए तो आपको 2 फीट चाहिए तो। मैं अभी इसका रेक्टेंगल की जो 18 18 लेता हूँ। ठीक अठारह अठारह ले सकते हो, 18 24, अगर आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा ले सकते हो, या हमारे पास तो ये है 18 18 ऐसे ही है, स्क्वायर शेप में दिख रहा है वो भी। अब इसको आप हाफ बनाएंगे तो इसके भी सेंटर में लाइन ड्रॉ करें। जे एंटर से ज्वाइन कर दे और ऑफसेट करें, 1 इंच का ही करते, ज्यादा नहीं करना है। 2 इंच का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा गैप हो जाएगा। 1 इंच का कर दो। इस अंदर वाले को सेलेक्ट करके एक्सप्लोड कर दो, कमांड DAV डिवाइड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ आइटम में डाल देता हूँ 6 और इसमें डाल देता हूँ मैं 12। रेक्टेंगल ले लो यहां से यहां तक, तो अब इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करो और आइसोलेट कमांड लगा दो। यहां से सेंटर पॉइंट में सर्कल ले लो, सर्कल की रेडियस आप रख दो 2.5। इसकी कॉपी करेंगे, एरे करो पॉलर सेंटर पॉइंट आइटम 4, ट्रिम करो। जे एंटर से ज्वाइन करा, अब अनहाइड करो, सीओ से कॉपी कमांड लगाओ, सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट में यहां पर दे देता हूं एक बार। ठीक है, ए एंटर आइटम दे दूंगा 6 और एफ एंटर करूंगा फिट। सेम प्रोसेस इधर भी करना है, बट अब की बार मेरे को ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए। सेलेक्ट सेलेक्ट सपोज सेलेक्ट करो, कॉपी, बेस पॉइंट ए एंटर 12 आइटम, एफ एंटर,
डिलीट कर दो इसको, इसकी कॉपी करके देखते हैं सेंटर पॉइंट मैंने ये रखा, या सेंटर नहीं मिला तो एमटीबी कमांड लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ तो जाएगा बट बाद में ज्यादा हैवी हो जाएगी भाई, ठीक बट तो यही रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं। पॉइंट को बंद कर दो, पी टाइप ये लाइन है हटा दो, बाउट वाली नहीं चाहिए मेरे को। कमांड लगाते हैं आर ई जी रीजन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ठीक है। ये देखो 2 टी भी सेट लग जाता है, ठीक है। अब होता है एस यू बी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। देखो इस बार वाले पार्ट सेलेक्ट करेंगे जो मतलब ओनली रेक्टेंगल है वो वाला, एंटर किया, अब पूरे पार्ट सेलेक्ट करो। और जो पहले हमने बार वाला पार्ट ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट करा था, शिफ्ट दबाकर इसको अनसेलेक्ट कर दो, सिर्फ आपकी फूल या डिजाइन है ना फूल वो सेलेक्ट करनी चाहिए, एंटर करो इसमें से खाली। अब दोनों को इनको मिरर ही कर देता हूँ यहीं से, दोनों को यूनियन कर देता हूँ। इसको एम एंटर करता हूं, इस वाली को डिलीट कर दो, अगर चाहिए तो वो रख सकते हो ना। मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं यहीं पे कर दूंगा, दिक्कत नहीं। एक्सट्रूड 0.75 सेट अब जाइए डैश व्यू एच डब्ल्यू एंटर, वो हमारी सेट हो गई, ठीक है। 3DR 90 डिग्री एंगल, एम एंटर, यहां पर भी वो सेम प्रोसेस, यूजन कर देना है, बाकी वो लगा UNI लगा दो, प्रेस पुल कर दो, ठीक है। सेलेक्ट एंड डिलीट, इस वाले पार्ट को मैं CO कमांड लगाता हूं, कॉपी यहां पर इसको कॉपी करें, क्लियर। इतना हो गया था कि नहीं हुआ, इतना बना लिया था राहुल जी, बनाया शुरू ही नहीं करा अभी तक, क्यों छुट्टी पर ध्यान आएगी। इसके बाद आपको ये लेग बनाने हैं, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, तो अभी मैं ये इतना बनाने को आपको देता हूं, पहले एक बार इतना बना के सब बताऊं मैं, फिर आगे नेक्स्ट करता हूं, क्लियर। अनपरफेक्ट मेजरमेंट से करना काम आपको।